नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मूंग की दाल का डोसा बनाएंगे। ये डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और पौष्टिक भी है। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों की टिफ़िन में रख सकते हैं और आप चाहे तो अपने टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। तो आइए मूंग की दाल का डोसा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आधा कप छिलके वाली मूंग की दाल को पानी में भिगो दिया है। हमने इसे 3-4 घंटे पानी में भिगो लिया है और इसकी जगह धुली हुई मूंग की दाल भी पानी में भिगोई जा सकती है। ये हमने 1/4 कप चावल, वो भी 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिए हैं। ये हमने सॉफ्ट वाले चावल ले लिए हैं, कोई भी छोटे चावल की वैरायटी ली जा सकती है। 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है या स्वादानुसार नमक ले लेंगे और 1 हरी मिर्च ले ली है और तेल डोसा बनाने के लिए। तो मूंग की दाल का डोसा बनाने के लिए हमें इस दाल को धो कर के तैयार करना होगा, क्योंकि ये दाल छिलके वाली है। पहले हमने दाल को अच्छे तरीके से धोया और इसके बाद इसे पानी में भिगोया है। अब हमें दाल से छिलके उतारने होंगे, तो हम दाल से छिलके उतार लेते हैं। मूंग की दाल के हम छिलके उतार लेते हैं। इसके लिए हमें इस तरीके से पहले दाल को हाथ से मसलना होगा ताकि इसके छिलके दाल से अलग हो जाएं। तो हमने ये दाल को मसल लिया। अब हम थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे और प्याले को इस तरीके से ऐसे हिलाएंगे ताकि छिलके दाल के ऊपर तैर करके आ जाएं। ये देखिए, पूरे हमें छिलके दाल के ऊपर तैरते हुए दिख रहे हैं। अब हम इसको बड़े आराम से इस तरीके से निकाल देंगे। ये छिलके हमारे हाथ में आ गए हैं काफ़ी हद तक। इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। दाल को हम फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं और इसी पानी को हम फिर से हम इस दाल में डाल सकते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से हम प्याले को इस तरीके से हिलाएंगे ताकि जो छिलके हैं वो तैर करके ऊपर आ जाए। और छिलकों को तैराते हुए पानी को गिरा देंगे, छिलके हाथ में आ जाएंगे। हटा देते हैं। एक बार और हम पानी डाल करके छिलकों को तैरा करके बिल्कुल इसी तरीके से निकाल देते हैं। ये दाल के मैक्सिमम छिलके निकल चुके हैं और जो थोड़े बिल्कुल बहुत ही कम छिलके दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम इसमें रहने देंगे। ये छिलके का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। दाल को हम पीस लेंगे। तो दाल को हम मिक्सर में डाल देते हैं। और ये चावल भी मिक्सर में डाल देंगे। पानी निकाल देते हैं। और इन्हें हम हल्का दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। दाल के साथ में ये हरी मिर्च भी हम मोटी मोटी काट के डाल देते हैं, ये भी पिस जाएगी। और थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1-2 टेबल स्पून, क्योंकि पानी हम बाद में भी मिला सकते हैं। ये हल्का दरदरा हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है दाल का। दाल पिस चुकी है। बैटर को प्याले में निकाल लेते हैं। बैटर में हम नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। बिल्कुल जिस तरीके का डोसे का बैटर होता है उसी तरीके का बैटर होना चाहिए। तो ये बैटर हमारा डोसे बनाने के लिए तैयार हो गया। अब हम डोसा बनाएंगे। तवा हमने गरम होने रख दिया है, लेकिन तवे को ज़्यादा गरम नहीं किया है। गैस बिल्कुल धीमी है और तवा भी एकदम हल्का गरम है। तवे पर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और
नैपकिन पेपर से हम तेल को तवे पर चारों ओर फैला देते हैं। तवा हल्का गर्म हो तभी डोसे को अच्छे तरीके से फैलाया जा सकता है। तो हम डोसे के लिए बैटर डालते हैं तवे पर, एक डेढ़ चम्मच बैटर हम तवे पर डालेंगे और चमचे को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए डोसा फैलाएंगे। तवा अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो डोसे का बैटर चमचे पर चिपक करके आ जाएगा और डोसा अच्छे से नहीं फैला सकेंगे, पतला नहीं फैला पाएंगे। तो ये डोसे को हमने तवे पर फैला दिया। अब हम गैस तेज कर देंगे ताकि डोसा हमारा अच्छे से सिके और डोसे के चारों ओर चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमेशा सवाल करते हैं कि हम तवे पर पतला डोसा नहीं फैला पाते या तवे पर डोसा चिपक जाता है, तो पहले थोड़ा सा तेल लगाना है, तवे को अच्छा गर्म करना है, फिर थोड़ा ठंडा करना है, यानी कि गैस बिल्कुल धीमी कर देनी है। और जब तवा हल्का गर्म रह जाए तब उसके ऊपर डोसा फैलाना है। और डोसा अगर कहीं से मोटा दिख रहा है तो कलछी से हम इस तरीके से उसे एक जैसा कर दें, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब हम मीडियम आग पर डोसे को नीचे से अच्छा ब्राउन होने तक सिकने देंगे। डोसा हमारा सिककर तैयार हो गया है और डोसे को हम इस तरीके से फोल्ड करके तुरंत तुरंत काफ़ी एकदम अच्छा क्रिस्पी डोसा बना है, तो तुरंत तुरंत क्रिस्पी डोसा सर्व कर सकते हैं। और दूसरा डोसा बनाने के लिए गैस को बिल्कुल धीमा कर लें, तवे पर थोड़ा सा पानी के छींटे मार दें और वापस से नैपकिन पेपर से या भीगे हुए कपड़े से पोंछ दें ताकि तवे के ऊपर थोड़ा बहुत जो बैटर रह गया है वो साफ़ हो जाए और दूसरा इसका टेम्परेचर भी कम हो जाए। क्योंकि जब हम डोसा फैलाएंगे तो हमें तवा थोड़ा सा ठंडा चाहिए। इस तरीके से भीगे हुए कपड़े से भी इसे अच्छे से पोंछ सकते हैं। गैस बिल्कुल धीमी है और अब हम दूसरा डोसा फैलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले डोसा फैलाया था। एकदम पतला चमचे को चारों ओर घुमाते हुए डोसे को फैला देंगे और सारे डोसे इसी तरीके से बना करके तैयार करने हैं। गैस तेज कर देते हैं और डोसे के चारों ओर तेल डालते हैं। ये हमारे डोसे बनकर तैयार हो गए हैं और एक डोसे को सिकने में लगभग 5-6 मिनट लग जाते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी मूंग दाल के डोसे बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट डोसे बने हैं और डोसे को हरे धनिया की चटनी, टमाटो सॉस या मूंगफली के दाने की चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इनमें स्टफिंग डालना चाहें तो आलू को आप बॉइल्ड आलू लीजिए और उसमें मसाला मिलाइए अपने स्वाद के अनुसार और स्टफिंग बना करके बिल्कुल जैसे मसाला डोसा बनाते हैं उस तरीके से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप मूंग दाल के डोसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।